कह रहा हूँ मेन काम तो ये हो रहा है। ये देखो दोस्तों हिरन, ये है खासियत इस जंगल की। सो व्हाट्स अप लवली पीपल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं हूं आपका अपना एडवोकेट रॉय और आज का व्लॉग देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि देखो मैं जा रहा हूं अपने मामा के घर। और मामा के घर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि देखो मेरी जो ग्रैंड माँ है उनका है बर्थडे, और बर्थडे कब होता है 1st of Jan। तो फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको सबको अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और सबका ये ईयर बहुत ही अच्छा जाए एज़ कम्पेयर टू 2020, क्योंकि 2020 वॉज अ वेरी वर्स्ट ईयर। तो देखो आज वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो रोड है ना बड़ा खतरनाक रोड है, खतरनाक बोले तो बिल्कुल जंगल वाला एरिया है। तो सारा कैप्चर करते हुए चलते हैं और व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो चपार जी बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? आज अरे दादी के घर पे। दादी के घर पे? ग्रैंड के घर पे। दादी ग्रैंड के घर पे, तो हाँ। ग्रैंड का क्या है ये भी बता दो। ग्रैनी यहाँ पे रहती है, उनका बर्थडे नहीं है? बर्थडे हाँ। तो बताओ 80 बर्थडे में उनका सेलिब्रेट करना है हमें, तो हम वहीं जा रहे हैं सेलिब्रेट करने ना। तो चलो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्या लेने गई थी? आलू भुजिया। आलू भुजिया, चलो तुम लोग इसमें खाओ, मैं जा रहा हूँ उस गाड़ी बाए में बाए। चलो ठीक है, बाय। चलो चलो आगे पकोड़े ले लो, पहले खा लो फिर चलते ना। हाँ लाओ लाओ। ये देखो दोस्तों हिरन, ये है खासियत इस जंगल की। सो फाइनली दोस्तों मैं अपने मामा के घर पहुंच गया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाते हैं फिर करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों ये देखो, ये मेरी सबसे बड़ी वाली मामी ये है। तो आप क्या कहना चाहोगे मामी बताओ? वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए, सबके नए साल मुबारक हो। 20 जैसे तैसे गुजरा, 21 साल सबके लिए सही हो। हरी बोल हरी बोल। तो ये देखो ये मेरी बड़ी मामी थी, और ये देखो सारे पलटन देखो क्या कर रहे हैं, सब डेकोरेट करने में लगे हुए हैं इस टाइम। और ये देखो काम करने वाले बंदे भी मैं दिखा दूं, जो जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। आ जाइए, पार्टी शुरू होने वाली है। ये देखो सब, ये काटा पीटी चल रहा है चिकन के लिए। मैं काम भी करती हूँ। क्या? मैं काम भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो मैं तो बोलता हूँ तो काम करती है। अब देखो जो मेरा व्लॉगिंग करने वाला मेरा कजन भाई करेगा पार्थ। तो आप तैयार हो कजन? बताओ तैयार हो व्लॉगिंग करने को? चलो ठीक है, अब मेरा कैमरा जो है पार्थ के पास रहेगा और पार्थ थोड़ी देर के लिए व्लॉगिंग करेगा। हेलो, करवाते रहना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर। आप कैसे एंजॉय कर रहे हो? अच्छा कर रहे हैं। तुम अच्छा क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? हैप्पी न्यू ईयर। मैं नहीं दूंगी। जब सुने का कोशिश मत करो, अभी फिर मुर्गा बनाएंगे, खाएंगे, सब मौज करेंगे। हैप्पी बर्थडे। और ये नहीं, ये वाले जो भैया है जिनका चैनल है ना, हाँ सबको हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दो एक बार। हैप्पी न्यू ईयर।
दोस्तों देखो दादी वाली पार्टी तो शाम को है, बट यहाँ देखो पार्टी तो नॉर्मल चल ही रही है इन लोगों की। ये देखो ये सब मेरे कजन है, दीदी हाय, ये देखो हाय, ये भाई अपना उधर भतीजा, ये देखो दिख रहा है ये भैया ने क्या क्लियर करा आपने ये बता दो, चलो इसमें बताओ बताओ। नीट 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 क्लियर किया भैया ने। और रैंक कौन सी आई थी उसमें? रैंक बहुत ज़्यादा आई थी, रैंक बहुत ज़्यादा आई थी, तो इतनी कोई टेंशन नहीं पता ही नहीं जा रही इतनी ज़्यादा आई थी। और ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ एक बार, ये अच्छा हाँ ये भी दिखा दूँगा सेटअप, ये देखो होशियार बच्चों को यही पहचान होती है ऐसे ऐसे करके। मैं तो कभी लगाया भी नहीं है यार ये सब चीज़ें थी, सच्ची कह रहा हूँ, ये देखो कभी नहीं, अगर लगाया भी होगा ना तो वही ले जाने के लिए। मैं ना इनका फेवरेट बच्चा हूँ, ये सबसे ज्यादा प्यार मेरे से ही करती है, किसी और से नहीं करती है, अपने बच्चे से भी नहीं करती। तो इन्होंने उन्होंने आज तक अपने हाथ से किसी को नहीं खिलाया, मेरे को खिलाया था कि बच्चा जिनका हैप्पी बर्थडे है, खुश हो गई है। मेन काम तो ये हो रहा है ना, कह रहा हूँ मेन काम तो ये हो रहा है। We show up in the party, fly it and everybody. We show up in the party, fly it and everybody. We show up in the party. We show up in the party. Show up in the party. You got it on. तू यहीं पे कर लो। ये होती है लाइफ देखो बच्चों वाली यार, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी से।
तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है मेरे मामा के घर के पास में ही, और आज इसको डेकोरेट किया गया है, और आज से मतलब यहाँ की ये ना ओपनिंग करी गई है। तो ये देख लो कितना बढ़िया डेकोरेशन कर रखा है चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग के साथ। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है चारों तरफ। और इस जगह का जो नाम है ना दोस्तों, इस जगह का नाम बता दूँ मैं, गोमती मंदिर के नाम से फेमस है ये। ये नदी है यहाँ पे, मेरे पापा को दिख रहा होगा थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तो एक बार चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ मैं और मेरा कज़न मतलब बाइक से घूमने आए थे थोड़ा। तो ये देखो हट टाइप में बना के रखा है, और बीच में कुर्सी टेबल भी रखी हुई है। बहुत बढ़िया कर दिया यार, और बहुत अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बना दिया है यहाँ पे। और आज ही दोस्तों इसकी ओपनिंग हुई है, 1 जनवरी तो ओपनिंग हुई है। और ये देखो एक मतलब रॉयल किंगडम के नाम से इन्होंने अपना कैंटीन डाला हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सबको एक बार फिर से और कुछ नहीं, अभी नहीं यार, नहीं अभी नहीं। ये साल आपको मुबारक हो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सलाम।